कोरोना वायरस संक्रमण से बचें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी ही बचाव है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं और देश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करें। कोरोना वायरस होने के लक्षण: तेज बुखार, खांसी, सांस की कमी, सिर में दर्द। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के उपाय: मास्क का प्रयोग करें, खांसी होने पर मुंह ढक लें, साबुन से हाथ धोएं व नियमित रूप से सैनिटाइजर का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जानवरों से दूर रहें, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें। किसी भी प्रकार के लक्षण आने व इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु नजदीकी चिकित्सालय से मदद लें। कोरोना राजस्थान हेल्पलाइन 0141-222-5624। राइट स्टेप ग्रुप द्वारा जनहित में जारी। रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज और मैं एक बार फिर हाजिर हूं ज्योति प्रकाश में। आज हम देखेंगे अब तक न्यूज में खासकर सुर्खियों में। नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर बीकानेर के अनेक नरसिंह मंदिरों में लीलाओं की जगह हुई प्रतीकात्मक पूजा। वहीं नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर ही कलाकारों ने कोरोना महामारी में डॉक्टर्स को ही बनाया नरसिंह का अवतार। कोलकाता में रहने वाले बीकानेर के प्रवासियों का बीकानेर में आगमन और बीकानेर फाउंडेशन ने किया उनका स्वागत। लॉकडाउन 3.0 में पुलिस कर रही है सख्ती और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी। सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में अनाज मंडी में व्यापारियों ने कामकाज किया ठप और किया प्रदर्शन। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पीवीएम हेल्थ कमेटी की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। ओम बन्ना की 66वीं जयंती के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओम बन्ना की पूजा। और झारखंड में रहने वाले 11 मजदूर दंतौर से पैदल ही पहुंचे बीकानेर मेले से लाकर रखे डॉलर। बीकानेर अब तक न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से और अब तक परिवार की ओर से भगवान विष्णु के अवतार दशम अवतार की दशम जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम चलते हैं नरसिंह जयंती के मौके पर। न केवल बीकानेर के अनेक स्थानों पर नरसिंह लीलाओं का आयोजन होता है बल्कि इस दिन हजारों की तादाद में लोग भगवान नरसिंह के दर्शन करने के लिए मंदिरों में भी जाते हैं। इसी दिन लोग उपवास और व्रत भी रखते हैं। बीकानेर के कलाकार कुछ अनूठा और अलग करने के लिए जाने जाते हैं। बीकानेर की कलाकार गोपाल दिस्सा के नेतृत्व में नरसिंह लीला का एक प्रतीकात्मक मंचन किया गया जिनमें वर्तमान बीमारी कोरोना और इस महामारी को डॉक्टर जो हैं वह जमकर के मुकाबला कर रहे हैं और इसीलिए विष्णु अवतार के रूप में भगवान नरसिंह बना करके और डॉक्टर्स को बताया गया। साथ ही साथ डॉक्टर्स जो हैं वे इस कोरोना नामक हिरण्यकश्यप महामारी से लड़ रहे हैं। एक बहुत ही प्रभावी मंचन करते हुए आज के माहौल को जीवंत कर दिया इन कलाकारों ने। दिखाते हैं हम आपको कि नरसिंह चतुर्दशी के मौके पर एक शानदार संकेत और प्रतीक के रूप में इस लीला का मंचन इन कलाकारों के द्वारा किया गया। बहुत आगे जा रहे हैं। हाँ, पैर ऊपर करो ना थोड़ा सा। हाँ, बस। प्रहलाद थोड़ा पैर ऊपर कर सूरत पर से। प्रहलाद। प्रहलाद जनता। सूरत पर से चलो। अरे ना थोड़ा दीना। हाँ यार ऊपर है उनका।
वन टू थ्री तक दो पक गया वन टू थ्री हाँ बस ठीक है। हमने यहाँ पर कलाकार गोपाल मिश्रा से की बात। बीकानेर का लोक कलाकार, सबसे पहले मैं बीकानेर वासियों को नरसिंह चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं बीकानेर की जनता को एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज 40 दिन से अपने लिए पुलिस प्रशासन, बीकानेर जिला प्रशासन, चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, जो आज 40 दिनों से जो नरसिंह बने हुए हैं, वो है तो मनुष्य लेकिन एक शेर की भांति हमारे लिए आज 40 दिनों से लड़ रहे हैं। और इस हिरण्याकश्यप नामक जो कोरोना राक्षस है, उसके वध के लिए हमारे लिए आज 40 दिनों से जो लगे हुए हैं, उनको मैं दिल से सल्यूट करता हूँ। और ये प्रहलाद रूपी जो जनता है, जो भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, और हमारे लिए आज जो भगवान है वही जो बने हुए हैं, जो पुलिस प्रशासन है, चिकित्सा कर्मी है, सफाई कर्मचारी है और मीडिया कर्मी है, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही हमारा एक संदेश है जो बीकानेर की जनता के लिए है। आज हमने ये कोरोना नामक एक राक्षस है जो हिरण्यकश्यप का रूप बनाकर, और भगवान जो विष्णु है, नरसिंह का, विष्णु का चौथा अवतार है नरसिंह भगवान, उनका एक रूप बनाया है, जिसको हमने ये प्रशासन और ये पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, चिकित्सा कर्मी का रूप बनाया है, और एक जनता रूपी जो प्रहलाद है उसको बनाकर हमने मीडिया के सामने और बीकानेर जनता को यह संदेश दिया है। नरसिंह चतुर्दशी के मौके पर बीकानेर के अनेक नरसिंह मंदिरों में न केवल पूजा अर्चना की गई बल्कि भगवान नरसिंह का अभिषेक भी किया गया। लखोटियों के चौक में यहां पुजारियों ने खासतौर से भगवान नरसिंह का पंचामृत से अभिषेक किया। हम आपको दिखाते हैं मंदिर के भीतर की वो तमाम दृश्य, चूंकि कोरोना के इस महामारी में और लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और मंदिरों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, और इसी के चलते केवल प्रतीकात्मक देवों की पूजा की जा रही है। लिहाजा लीलाएं और मेलों का आयोजन रद्द कर दिया गया है। यह पहली बार है जब तमाम स्थलों पर जिन लीलाओं का आयोजन होता है, उन सब जगहों पर आज नरसिंह लीलाएं नहीं की जा रही है, बल्कि प्रतीक रूप में ही भगवान नरसिंह का पूजन और अभिषेक किया जा रहा है। पहले हम दिखाते हैं भगवान नरसिंह के अभिषेक के कुछ संपादित अंश। लखोटियों के चौक में रहने वाले इन लोगों को भी बहुत मायूसी है, लेकिन वर्तमान हालात और परिस्थितियां ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। लिया जा जीवन है तो उत्सव है, मेले हैं, पर्व हैं। यहां पर जो लोग रहते हैं उनसे हमने की विशेष बातचीत। आज जो है नरसिंह चतुर्दशी है, और नरसिंह चतुर्दशी का मेला जो है हमारे यहाँ आज वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, और हमने आज तक भी है कभी सुना नहीं कि ये मंदिर का मेला कभी रुका है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन होने के कारण इस बार हमने उसकी पालना करते हुए और इस बार मेला नहीं भरने का ये ट्रस्ट ने निर्णय लिया है। 324 साल पुराना ये जो है मंदिर, वैसे तो रियासत काल से पूर्व का है, बीकानेर की स्थापना से पूर्व का मंदिर है, जैसा हम लोगों ने सुना है अपने जो है बुजुर्गों से। ये मुल्तान के क्षेत्र जाने के लिए यहाँ से जाता था, और यहाँ पर हमारे नागा साधुओं का अखाड़ा था, जो कि जो भी नागा साधु यहाँ से गुजरते थे उनका यहाँ पर रहने के लिए और उनके खाने की व्यवस्था यहाँ पर जो है मंदिर की तरफ से, हमारे जो महंत जी थे उनकी तरफ से ये व्यवस्थाएँ होती थी, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हर वर्ष की बात, ये नरसिंह जयंती मनाई जा रही है, चूँकि लॉकडाउन है इसलिए इसको बहुत सूक्ष्म। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शॉपिंग चलना है? नहीं। ये लो। वाओ, प्रेमजी अग्रवाल के रसगुल्ले। अब मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे शॉपिंग नहीं चलना क्या? दिल की बात वही जाने जो स्वाद असली पहचाने। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर।
एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है। तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। देखिए बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना महामारी में बीकानेर फाउंडेशन बेहतरीन कार्य कर रहा है। बीकानेर फाउंडेशन के द्वारा न केवल जरूरतमंद लोगों तक राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है, बल्कि एक कदम और मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए बीकानेर फाउंडेशन ने कोलकाता में रहने वाले बीकानेर के प्रवासियों को न केवल लाने तक की व्यवस्था का इंतजाम किया, बल्कि बंगाल और राजस्थान की सरकारों की मदद से उनका काम भी किया। आज खासतौर से बीकानेर के प्रवासी यहाँ पहुंचे, उनकी न केवल सघन चिकित्सा जांच करवाई गई, बल्कि बीकानेर आगमन के साथ तमाम जो हिदायतें हैं उनको भी पूरा करते हुए बीकानेर फाउंडेशन ने इन लोगों का स्वागत भी किया। सचिव कमल तल्ला से हमने की इस पर खास बातचीत। बीकानेर फाउंडेशन बीकानेर के जो प्रवासी और अप्रवासी भाई लोग हैं उनके बीच का एक सेतु है और निरंतर लोगों को सुविधाओं को और आपसी विकास और सामंजस्य सहयोग को बढ़ाने के लिए ये संस्थान प्रयासरत है। इसी कड़ी में आप देखते हैं कि अब कोविड के लॉकडाउन शुरू होते ही बीकानेर फाउंडेशन ने तुरंत अपनी सेवाएं कर दी थी। विभिन्न प्रकार की सेवाओं के माध्यम से बीकानेर फाउंडेशन लगातार बड़ी संख्या में जनता के बीच में संपर्क में है और आज हम सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं। सुबह से कलकत्ता की करीब 5 बसें वहाँ से रवाना हुई थी, वो यहाँ पहुँच चुकी है। तीसरी बस पहुँच चुकी है, पीछे खड़ी है और 2 बसें और पीछे हैं, वो जल्दी ही आ रही है। हमने यहाँ पर पहुँचने के बाद सब लोगों की स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग की टीम के सहयोग से उनके निवेदन करके करवाई है और प्रशासन का हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रॉपर लिस्टिंग उनका जो राजस्थान सरकार का जो ऐप है वो डाउनलोड हुआ है, एफिडेविट और जो सरकारी कामकाज है वो सब पूरे हुए हैं। अब ये सभी लोग बहुत सहयोगी बहुत सद्भावी लोग हैं, ये अपने घर में इनसे हमने निवेदन किया है कि अपने घर में रहकर सरकारी एडवाइजरी का पूरा पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और बीकानेर को सुरक्षित रखें। तो ये सब लोग सहयोगी हैं और इनसे उम्मीद है कि ये लोग ऐसा करेंगे। वार्ड नंबर 76 कोचरों की चौक कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र है, कोतवाली का एक क्षेत्र आता है, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन है। बेवजह घरों से निकलने पर पुलिस के जवान जो यहाँ पर तैनात हैं वे हिदायत दे रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला बीकानेर में सुबह, जब कोचरों की चौक में कुछ युवक बेवजह ही घरों से बाहर निकले, उन्हें समझाइश की गई, उन्हें हिदायत दी गई। इसके साथ साथ हम उन तमाम लोगों को भी इस बात की जानकारी देते हैं, हिदायत देते हैं कि लॉकडाउन के चलते बेवजह अपने घरों से बाहर न निकले। हम दिखाते हैं आपको कोचरों के चौक में जो कुछ घटनाक्रम हुआ कि कैसे ये युवा बिना काम के बाहर निकले और पुलिस ने इनको समझा करके घरों में भेजा। और बात करें हम सरकार के द्वारा अनाज मंडी में जो टैक्स लगाया गया है उसी का विरोध अनाज के व्यापारियों ने किया, अनाज मंडी के व्यापारियों ने किया। यहाँ पर कामकाज तो उन्होंने ठप रखा ही रखा, साथ ही साथ नारेबाजी करते हुए उन्होंने व्यापारियों के साथ में सरकार के द्वारा कुठाराघात करने का आरोप भी लगाया। कोरोना की इस महामारी में बीकानेर के व्यापारियों ने सरकार का खुलकर के साथ दिया है, बावजूद उसके टैक्स बढ़ाए जाना इन कारोबारियों को नागवार लगा, लिहाजा उन्होंने पूरा कारोबार ठप रखा और प्रदर्शन भी किया। आइए दिखाते हैं आपको मंडी का वो सूरत हाल। यहां पर हमने जयकिशन अग्रवाल से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के और प्रदर्शन को लेकर के बातचीत की। मंडी में तो मंडी के मंडी में नया किसी वो बाहर से खरीदेंगे और टैक्स की चोरी होगी और सीधी गाड़ियां बाहर अदर स्टेटों में भी चली जाएगी, इसलिए ये मंडियां तो मुझे लग रहा है अभी बंद ही हो जाएगी और ये सरकार यही चाह रही है कि ये मंडी बंद ही कर दें। तो 70 सालों में इन्होंने एक सिस्टम बना के मंडियों को डेवलप किया है, ये मंडी एक झटके में धरा सके। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बराबर रखी, अपने स्वास्थ्य को सरकार के मापदंडों के हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश की और सरकार का सहयोग किया। उस सरकार ने आम उपभोक्ताओं के लिए जिन चीज़ों पर टैक्स लगाया है वो आइटम क्या है, आम उपभोक्ता के काम आने वाला गेहूँ, ज्वार, पशुओं के काम आने वाली पशुओं पक्षियों के काम आने वाली बाजरी और ज्वार, मक्का,
दाल दलहन सभी पे 2% टैक्स लगा दिया गया है, इसकी सीधी मार उपभोक्ताओं पर पड़ेगी, हम इस चीज को कभी सहन नहीं करेंगे। जगदीन जी ये बात किससे व्यापारी वर्ग तकलीफ को चोरी करने वाला है वो पहुंचेगा, सरकार चोरों को बढ़ावा देने के लिए कानून लेके आई है, हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी मंडियों में जहाँ एक और सरकार ने GST के अंतर्गत एक राष्ट्र और एक टैक्स की बात की थी, वही राजस्थान सरकार मंडी टैक्स के नाम पर, किसान कल्याण के नाम पर तरह तरह के टैक्स लगाकर शोषण करने का काम कर रही है और राजस्थान के अंदर इस टैक्स चोरों को पल पलने के लिए पूरा ग्राउंड पैदा कर रही है। तो टैक्स बिकेगा अगर 3.60 मंडी टैक्स होगा तो आम उपभोक्ताओं पे जहाँ 1 रुपये चीनी की ज्यादा नहीं पड़ेगी, वहीं यहाँ पे जो चोरी करने वाले हैं वो गिरोह सक्रिय हो जाएंगे। और आज की डेट में देखिए राजस्थान के अंदर जब 1.60 मंडी टैक्स है तो राजस्थान कर बिल के कर चोरों द्वारा दिल्ली की मंडी में कल 70 गाड़ी थी जो बीकानेर राजस्थान से गई हुई थी और आने वाले कल में वो 70 की 270 होगी और उसका पूरा 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 जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो क्या आज हमने बंद किया है, हमने पूरे औद्योगिक संगठन जिसके अंदर तेल मिल है, चाहे दाल मिल है, चाहे आटा मिल है, जो कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पे उद्योगों को पनपने के लिए राजस्थान सरकार के पास कुछ नहीं है, नए उद्योगों के नाम पर लॉलीपॉप दे रखी है, पुराने उद्योगों का गला घोटने के लिए लगी हुई है। हम वैसे ही पड़ोस के राज्यों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, राज्य सरकार ऐसे नियम बनाएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कृषि आधारित उद्योग राजस्थान से पलायन कर जाएंगे और उसमें सबसे अग्रणी मैं हूँगा। बीकानेर के PBM अस्पताल में हेल्प कमेटी बनी है, कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों तक ये हेल्प कमेटी भी काफी हेल्प कर रही है और मदद कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज PBM पहुंचकर हेल्प कमेटी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का जायजा लिया और उसका निरीक्षण किया, साथ ही साथ उसके द्वारा किए जा रहे उन कार्यों पर उन्होंने संतोष भी व्यक्त किया। बीकानेर में हालांकि कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में कुछ रियायत दी गई है, जैसे दाकिया में कुछ रियायत बरते हुए 5 बजे तक की छूट दी गई है, साथ ही साथ बाजारों को भी खोलने के लिए सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय दिया गया। हालांकि फल दूध दही बेचने वाली जो दुकानें हैं वे इस समय को घंटे भर और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के पुलिस गर्मी में भी अपनी पूरी ड्यूटी दे रही है, लेकिन वे लोग जो पुलिस की इस ड्यूटी के साथ में कहीं कहीं रूबरू होते हैं, दो चार होते हैं और बहसबाजी करते हैं, उन लोगों के लिए हमारा भी ये कहना है कि वे बेवजह बहस न करें और पुलिस को इसमें पूरा उनकी ड्यूटी करने में सहयोग भी अदा करें। हम आपको दिखाते हैं लॉकडाउन 3.0 की वो स्थिति जहां पर पूरे बीकानेर में लॉकडाउन के चलते पुलिस मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और इनके साथ होमगार्ड्स के जवान भी लगे हुए हैं। दिखाते हैं आपको बीकानेर के अलग अलग स्थानों के वो दृश्य जहां पर पुलिस ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ उनका संवेदनात्मक पक्ष भी हमें नजर आता है। SDP Memorial School, co-educational English medium school. Excellent infrastructure, air-conditioned classrooms, smart classrooms, covered swimming pool. Well-equipped science lab, attractive and enhanced language and computer labs. Dance and music room, library, auditorium with a great accommodation. Systematic and holistic teaching approach. Incorporation brain exercise and small group approach. Committed and dedicated faculty for excellent academic achievement. Effective student-teacher ratio 25:1. Stress-free, bias and independent learning atmosphere. Emphasis on playway methods for preschool, LKG, UKG and grade 1. Admission open for nursery to 12th. SDP Memorial School, Sri Dwarkapuri, inside Jasusar Gate, Bikaner. New Campus, Sector 3, Muralidhar Vyas Nagar, Bikaner. Mobile 99839-95831, 99833-22831, 98752-73831, 96104-47606. हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय, स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया, स्वस्थ श्वसन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे, अमृत मंथन। गैस और भारीपन में लाभकारी, अस्थमा और सांस की बीमारी दूर करे, अमृत मंथन। जोड़ों का दर्द और गठिया से दिलाए राहत, घटाए वजन, अमृत मंथन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोर्ट गेट बीकानेर। हेल्पलाइन नंबर
9251231230. विजिट www.mohanjiherbals.com। देखिए बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीकाने के ओम बन्ना की जो मूर्ति और मंदिर है वहां पर उनकी 66वीं जयंती के मौके पर सरकार के जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उनकी पालना के साथ में उनकी पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में तो लोग नहीं थे लेकिन श्रद्धालु कुछ संख्या में थे, वे भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में पहुंचे और वहां पर उन्होंने ओम बन्ना की पूजा अर्चना की। पूरे देश भर में मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय है। एक और जहां बाहर से सरकार एयरबस के जरिए प्रवासी भारतीयों को ला रही है, वहीं करोड़ों की तादाद में जो इधर उधर मजदूर हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग राज्यों में चले गए हैं, उन लोगों ने अपने गृह जिलों में और अपने घरों में पहुंचना काफी दूभर हो गया। हालांकि सरकारों ने ऐलान किया है कि इन मजदूरों को किसी भी कीमत पर इनके घरों तक पहुंचाया जाए। एक तरफ ये डर है कि कोरोना की महामारी कहीं भी आने वाले लोग अपने साथ संक्रमण लेकर के न आए, तो वहां पर रहने वाले लोग भी इस दहशत में है कि आने वाले लोग कहीं कोरोना के संकट से उन्हें और जो है वह बढ़ा न दे। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग हैं जो हर हाल में अपने घर जाना चाहते हैं। झारखंड में रहने वाले ऐसे ही 11 मजदूर दंतौर से पैदल बीकानेर आ गए और यहां पर आकर के उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई कि उन्हें अपने घर भेजा जाए। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि वे खाने पीने का सामान और उनके पास सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। इस गर्मी में जो दंतौर से चल करके पैदल बीकानेर पहुंचे, अब वे किसी भी तरीके से अपने गृह जिले में पहुंचना चाहते हैं, अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं। हमने बातचीत की इन मजदूरों से। 364 और वहाँ से पैदल हम लोग आए, रेंगते रेंगते हम लोग का 3 दिन हो गया और हमको कैसे घर जाना है और कैसे जानते हैं सब सरकार अब व्यवस्था बना रहे कि आते आते सब हम लोग के कलेक्टर साहब से मिलना है। अब हम लोग कैसे किसी भी कीमत से हम लोग के घर जाना है जाना है। कहाँ पे है घर? झारखंड नोढिया प्रखंड। कितने आदमी आए हो आप? 11 आदमी हम लोग हैं। 11 आदमी झोला लेके पूरे रास्ते पैदल आए हो? पूरा पैदल आया सर। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है सर। रास्ते में कोई खाने और की व्यवस्था नहीं? कोई खाना। कितने दिन से भूखे हो? 3 दिन से भूखे हो। 3 दिन से भूखे? 3 दिन। बीकानेर में बैंकों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नजारे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बैंकों के आगे भीड़ जरूर है, दुकानों के आगे भी भीड़ है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अब लोगों ने इस कोरोना महामारी में अपने को बचाने की एक तरकीब ढूंढी है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। हालांकि ये सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं और अपने तमाम दर्शकों को भी इस बात की हिदायत देते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग पर अपना फोकस करें। SBI बैंक के बाहर पार्किंग के पास ग्राहक खड़े इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, लेकिन इनमें दूरियां साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में तकरीबन 3 मीटर की 2 मीटर की एक डिस्टेंस जो है वो बनी रहे और आप और हम सब भी इसका पालन करें। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, वो लगातार कोरोना के इस महामारी में लोगों को राहत देने के काम कर रही है। लिहाजा जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहित कर रही हैं, बल्कि वो स्वयं भी कदम से कदम बढ़ाते हुए जरूरतमंद लोगों की पूरी सेवा कर रही है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्लाव, जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने आज राशन सामग्री से भरी गाड़ियों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। लॉकडाउन 3.0 की स्थिति चल रही है और ऐसे में अभी भी बहुत सारे लोग वो हैं जो अपनी दिहाड़ी पे नहीं जा पा रहे हैं, कामकाज बिल्कुल ठप है, आमदनी का जरिया बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन राशन सामग्री इन तक अगर पहुंच जाए तो कम से कम ये भूख नहीं मरेंगे, यही प्रयास सरकार भी कर रही है। और ये बात भी हमें गौर करनी होगी कि कलेक्टर और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्लाव ने जो राशन सामग्री हरी झंडी दिखाकर रवाना की है, वह पश्चिम क्षेत्र के विधायक होने के नाते डॉक्टर BD कल्लाव के विधायक निधि से दी जा रही है। आइए दिखाते हैं इसकी कुछ झलकी।
लॉकडाउन के कारण और कर्फ्यू के कारण बहुत से लोग जो दैनिक मजदूरी पर थे और कुछ लोग जैसे टैक्सी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ठेले वाले, फॉर्म के वाले सब बेरोजगार हो गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। उसी तर्ज पर हम लोगों की कोशिश है कि हमारे यहाँ भी कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए और उनके प्रबंध खाने पीने का प्रबंध हो। कई स्वैच्छिक संस्थाएँ सवेरे शाम भोजन बना के देते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग सब सही नहीं है। सामाजिक दूरी नहीं बनाई रखनी चाहिए, सामाजिक दूरी तो हमेशा सामाजिक दूरी को कम करना चाहिए, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो दूर होनी चाहिए, भौतिक दूरी रहनी चाहिए। यानी कम से कम 1-1.5 मीटर की दूरी पर व्यक्ति रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति सवेरे शाम भोजन देने जाते हैं तो वहाँ ये फिजिकल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाती है। और उसको मान लो 15 दिन का राशन दिया है तो 30 बार उसको जाना आना पड़ेगा, और नहीं तो एक बार में ही ये सारा काम जो है पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूखे राशन की किट्स उनको दी जा रही है ताकि वे स्वयं पकाएं, स्वयं खाएं। और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक है, नहीं स्पेशल पैकेज अभी कोई नहीं है। जो आपदा में हमारा खुद का स्वयं का हिस्सा होता है और केंद्र सरकार का बजट में जो प्रावधान है आपदा के लिए, जैसे अकाल, बाढ़, उसके लिए एक स्पष्ट मतलब निश्चित प्रावधान है। उसके अलावा कोई कोरोना की महामारी को लेकर के अभी तक विशेष पैकेज नहीं आया है, जिसकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि स्टेट को 1,00,000 करोड़ का सारे स्टेट्स को देना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो कोरोना के कारण से स्टेट की रेवेन्यू लगभग शून्य हो गई है और सारी औद्योगिक और व्यापारी गतिविधियां करीब करीब ठप है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार को चाहिए कि वो राज्यों को अच्छा पैकेज दे ताकि इस GST की भरपाई भी करने का उन्होंने वादा किया हुआ है। एक तरफ आपने देखा होगा 7 रुपये और 13 रुपये पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी है, मतलब जो पेट्रोलियम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम हुई है, लेकिन इसका लाभ उपभोक्ताओं को न देकर केंद्रीय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है 13 रुपये डीजल पर और 7 रुपये 13 और 7 रुपये डीजल और पेट्रोल पर बढ़ाई है। तो मैं समझता हूँ कि केंद्रीय सरकार जो है जो उपभोक्ताओं का लाभ है वो कम कर रही है और दूसरी ओर पैकेज भी नहीं दे रही, पैकेज देना चाहिए। चलते चलते डालते नजर आज की खास खास सुर्खियां। देखेंगे अब तक न्यूज में खास खास सूचना में नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर बीकानेर के अनेक नरसिंह मंदिरों में लीलाओं की जगह हुई प्रतीकात्मक भी है। वही नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर ही कलाकारों ने कोरोना महामारी में डॉक्टर्स को ही बनाया नरसिंह का अवतार। कोलकाता में रहने वाले बीकानेर के प्रवासियों का बीकानेर में आगमन और बीकानेर फाउंडेशन ने किया उनका स्वागत। लॉकडाउन 3.0 में पुलिस कर रही है सख्ती और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी। सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में अनाज मंडी में व्यापारियों ने कामकाज किया ट्रक और किया प्रदर्शन। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने PVM हेल्थ कमेटी की व्यवस्थाओं का लिया जाए। ओम बन्ना की 66वीं जयंती के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओम बन्ना की पूजा अर्चना। और झारखंड में रहने वाले 11 मजदूर दंतौर से पैदल ही पहुंचे बीकानेर मेले जिला कलेक्टर गौरव। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई जानकारियों के साथ और नई सुर्खियों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।